नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज बनाते हैं राजस्थान की पारंपरिक जो दलिया और गुड़ की लापसी। लापसी गेहूं के दलिए से भी बनाई जाती है, लेकिन जो आज हम जो के दलिए से बनाएंगे, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है और झटपट प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो कुकिंग चैनल सीकेआर किचन को आपने अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ तुरंत कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो फिर आइए राजस्थान की ऑथेंटिक झटपट बनने वाली जो दलिया और गुड़ की लापसी बनाते हैं प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से। तो ये प्रेशर कुकर में लगभग हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। एक बार 2 चम्मच डाला है, कम लगेगा तो थोड़ा हम बाद में और ऐड कर देंगे। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो ये 1 कटोरी मैंने लिया है जौ का दलिया, लगभग ये 1/2 कप के बराबर है। तो जितना जौ का दलिया है उतनी ही मात्रा में इसमें गुड़ जाएगा और उसका 3 गुना जाएगा इसमें पानी। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, एकदम परफेक्ट खिली खिली लापसी बनाने के लिए। तो अब आपको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए दलिये को हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब तक भुनना है। तो यहाँ घी कम लग रहा है तो 1 चम्मच हम और ऐड कर देते हैं। तो वैसे तो इसे कम घी में बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा घी की मात्रा इसमें अच्छी होती है तो लापसी टेस्टी भी बनती है और दिखने में भी थोड़ी खिली खिली और अच्छी लगती है, एकदम शाइनी सी। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप घी बहुत कम यूज़ करना चाहते हो तो केवल 2 चम्मच में भी लापसी इसमें बनाई जा सकती है। तो अब इसको धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए दलिये को सेक लेंगे। यहाँ थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 1/2 चम्मच और इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा घी की मात्रा अच्छी होती है तो दलिया आसानी से भी फटाफट सिक जाता है, चिपकता नहीं है तले में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दलिये को सेकने में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए आपको सेकना है इसको। तो राजस्थान में जो लापसी है वो हर मौके पर सबसे पहले बनाई जाती है, जैसे कि शादी में, किसी भी त्यौहार पर, होली, दीपावली, तो यहाँ पे लापसी का एक मांगलिक कार्यों में सबसे पहले इसको बनाया जाता है, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, हमने लगभग 6-7 मिनट दलिया को भुना था तो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा सूखा नारियल को हमने पतला पतला काट लिया है, थोड़े काजू और बादाम भी काट लिए हैं। थोड़ा सा 1/2 मिनट इनको भी साथ में ही भुन लेंगे तो ये भी सिक जाएंगे। देखिए, दलिये की अच्छी खुशबू आने लगी है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब डाल देंगे, हमने जितना दलिया लिया था उसका 2 गुना हमने नाप कर पानी गर्म कर लिया था। अभी इसमें 1 कटोरी पानी और जाएगा, लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हमने जिस कटोरी से दलिया लिया है उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी को गर्म करके ले लिया था। तो गर्म पानी को हमने दलिया में ऐड कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है, टेस्ट तो बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं 6-7, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसको हम ढककर 1 सीटी लगा देंगे, बस 1 ही सीटी लगानी है, क्योंकि पानी हमने कम डाला है, 1 से ज़्यादा लगाएंगे तो कई बार तले में चिपकने का डर रहता है। तो बस मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई करके आप 1 सीटी ले लें फटाफट, और प्रेशर ख़त्म हो जाए तब तक इसको ढके रहने दें। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब जितना दलिया उतना ले लेंगे गुड़ बारीक करके, तो जिससे दलिया लिया है उसी कटोरी से ले लें, और उसी कटोरी से हम जितना दलिया लिया है उतना ही पानी ले लेंगे। और अब हमें बस इस पानी में गुड़ को मेल्ट करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, बस आपको लगातार चलाते हुए गुड़ अच्छे से पानी में घुल जाए उतना इसको हम गरम करेंगे। तो इस तरीके से आप राजस्थानी लापसी बनाएंगे तो बहुत ही कम मेहनत और कम समय में एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में लापसी बनेगी। ना ही तो ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी होगा, ना बहुत ज़्यादा मीठी होगी, एकदम बराबर मीठी और एकदम दानेदार। तो लापसी में अगर आप नाप से नहीं लेते हैं पानी, तो कई बार ज़्यादा पानी होने की वजह से लापसी लूज़ हो जाती है, लापसी का जो दाना है वो टूट जाता है। लापसी में जो दलिये का दाना होता है ना, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो दलिया हो जाएगा, वो लापसी नहीं रहेगी। तो ये देखिए, प्रेशर पूरा ख़त्म हो गया है कुकर का, हमने
कुकर को ढक्कन निकाल दिया है, खोल दिया है। तो देखिए एकदम खिली खिली दानेदार लापसी बन के यहाँ तैयार है। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये गुड़ का पानी। अच्छे से गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ पिघल जाए। छलनी से छान देते हैं, कई बार गुड़ में कुछ कचरा भी आ जाता है तो वो छलनी में रह जाएगा। और थोड़ा फ्लेम को स्लो करेंगे और अब इसे कुकर को हम ढकेंगे नहीं, कुकर वाला ढक्कन नहीं लगाएंगे हम। अब ये गुड़ वाले पानी के साथ इसको हम थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे धीमी आंच पर। तो गुड़ वाला पानी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हम डाल देते हैं किशमिश। किशमिश को हमने धो लिया था, थोड़ी डाल देते हैं इलायची पाउडर लगभग चौथाई चम्मच के करीब। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची का। और धीमी आंच करके इस पे हमने खुला ही ढक्कन रख दिया है, कुकर वाला ढक्कन नहीं लगाया है। और ढककर इसको थोड़ा 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। इससे दलिए में थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी पक जाएगा और जो गुड़ का पानी है ना वो दलिया सारा सौंक लेगा। ये देखिए 2 मिनट में ही काफ़ी गाढ़ी हो गई है लापसी। फ्लेम को धीमा रखें ताकि लापसी तले में चिपके नहीं, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। तो अब हमने लिया है ये नटमैग। नटमैग को हल्का सा चुटकी भर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, चुटकी भर इसको थोड़ा सा ग्रेट करके हम लापसी पे डाल देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है, एकदम जैसे शादियों में हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला इसमें टेस्ट और खुशबू आ जाएगी नटमैग से। नटमैग यानी कि जायफल, जायफल लिया है हमने चुटकी भर। अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है, जो पानी सारा गुड़ का था ना वो एकदम सौंख लिया है। तो अब इसको हम हल्की सी सॉफ्ट हो तभी गैस बंद कर देंगे वरना चिपकनी शुरू हो जाएगी। और इसको हमने 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। ये देखिए जैसे ये 20 मिनट के बाद में एकदम सेट हो जाएगी और दाना दाना इसका अलग हो जाएगा। देखिए एकदम दानेदार खिली खिली परफेक्ट हमारी जो दलिया और गुड़ की लापसी बन के तैयार है। तो जिसे ज़्यादा घी का शौक है तो वो लापसी को सर्व करने से पहले घी को गर्म करके ऊपर से घी डाल के भी सर्व करते हैं। राजस्थान में किया जाता है लापसी के ऊपर से घी सर्व। तो ज़्यादा अगर किसी को पसंद है तो सर्व कर सकते हैं ऊपर से। और ये हमारी देखिए लापसी बन के रेडी है। इसको थोड़ा सा हमने पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो ये देखिए परफेक्ट राजस्थानी जो दलिया और गुड़ की लापसी बन के झटपट रेडी है। कम मेहनत और कम समय में प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से आप ये बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जो दलिया लापसी बना के ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी।